गरीबी और बेरोजगारी दो प्रमुख समस्याएं हैं और उसके अतिरिक्त समस्याएं बहुत सारी हैं। महंगाई की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, अन्य भी बहुत सारी समस्याएं। लेकिन जब कभी किसी बीमारी के बारे में हम उसका सही इलाज करना चाहते हैं और उसके लिए हम कोई दवा लिखना चाहते हैं तो उसके पहले हमको यह सोचना पड़ता है कि जो मरीज आया है हमारे पास उसकी बीमारी की ठीक तरीके से डायग्नोसिस हो जाए, यानी ये पता लग जाए कि यह बीमारी है तो यह बीमारी क्यों है, कैसी है यह बीमारी, इसका पता लग जाए तो सहज तरीके से ही कोई इसका जवाब देगा कि लंबे समय तक जो इस हिंदुस्तान में कांग्रेस की हुकूमत रही है और कांग्रेस में ही जो एक परिवार की हुकूमत रही है यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण गरीबी और बेरोजगारी जैसी बीमारी बढ़ रहा है और कोई दूसरा कारण नहीं है। तो